देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हो संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके देसी टॉक में। बात के शुरुआत करथन कि आपकी जिन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ ले हुई से? प्रारंभिक शिक्षा फरीदाबाद शहर से हुई, उसके बाद क्लास 8 से मेरी शिक्षा कोरबा आदिवासी स्कूल में हुई। अच्छा जी, तो वहाँ कौन से ऐसा शिक्षक रही जेखर जिला देख के आप बड़ा प्रभावित हुए हो? हमारे शिक्षक रही द्विवेदी जी। अच्छा, साहू जी। हाँ। और हमारे नेता मैडम रही। हाँ। और हमारे प्रिंसिपल रही M.K. गुप्ता जी। अच्छा। और हमारे द्विवेदी अमल्ला ज़्यादा पढ़ाई। हाँ हाँ। जो राजनीति की बात ला। हाँ। तो मन से अमन शिक्षा ग्रहण करें। राजनीति की ओर कैसे आपके झुकाव हुए, कैसे रुझान हुए आपके? जब मैं हायर सेकेंडरी में रहें। हाँ। 1980 में। हाँ। तो हमारे सब साथी मन दोस्त मन कहीं कि प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ना है। अच्छा। तो मैं प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े। हाँ। और हायर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ। 596 वोट ले मैं चुनाव जीते रहे। वहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई समझो, छात्र राजनीति, छात्र जीवन के राजनीति वही ले शुरू जी। ओखर बाद फिर आगे कैसे बढ़े हो आप? ओखर बाद कॉलेज में रहें। हाँ। कॉलेज में राजनीति करें। कॉलेज के बाद फिर अमन शुरू ले कांग्रेस पार्टी में, हमारे परिवार के विचारधारा रही। हाँ। और कांग्रेस के जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़े तो ओकर अमन काम करत रहे। हमारे बड़े भाई भी कांग्रेस के विचारधारा के रही। हाँ। जो वो समय के राम गोपाल तिवारी 1980 में लड़ी, फिर ओकर बाद में प्रभात मिश्रा लड़ी 1985 में। हाँ। सांसद के चुनाव, ओकर बाद में भवानीलाल वर्मा लड़ी। हाँ। चरणदास महन जी लड़ी। हाँ। तो सब के अमन काम करते रहे। और विधानसभा में बोधराम जी कंवर और प्यारेलाल जी कंवर। हाँ। वो मन के अमन काम करते रहे। राजनीति में जब आदमी आते तो कोनो न कोनो ऐसे व्यक्ति होते जेखर व्यक्तित्व देख के आदमी बड़ा प्रभावित होते, काखर व्यक्तित्व देख के आप प्रभावित होकर राजनीति में आया? अब सबसे पहले तो हम पार्टी के, जो हमारे कांग्रेस पार्टी रही। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा ला। हाँ। और इंदिरा जी के जो सोच रही कि गरीब मन के, आदिवासी मन के और दलित मन के जो ऊपर उठाए के काम हमारे कांग्रेस पार्टी करत रही, तो वो विचारधारा ले हमन जुड़ के वहीं ले शुरू हुए। और बाद में जो नेता मन के बात नाम बताया हूँ कि वो गानी रही अपने पंडित विद्या भैया और श्यामा चंद जी शुक्ल। और बाद में हमारे स्थानीय स्तर पे जो सांसद रही, जो हमारे स्कूल के छात्र रही परशुराम भारद्वाज जी। हाँ। और बाद में भवानीलाल वर्मा जी, चरणदास महन जी। और विधानसभा में प्यारेलाल कंवर जी ज़्यादा हमन नज़दीक रहे होकर के, हमारे घर में होकर आया जाए रही। और भारद्वाज जी जब भी कोरबा आए तो हमारे यहाँ भोजन करे और हमारे संग संबंध रही। कंवर की भारद्वाज जी संग मोर संबंध, जब मैं 1980 में स्कूल के प्रेसिडेंट बने तो पहली बार वो सांसद बनी 1980 में, तो हमारे स्कूल में आए रही। हाँ। तो वहीं ले होकर सब हमारे संबंध बनी जी। एक चीज अक्सर देखे जाते, आपके स्वभाव बड़ा सहज और सरल स्वभाव के आप मंत्री हो, बहुत सहज उपलब्ध भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होते कि ऐसे चले जाते कि बात है कि आप गुस्सा जत हो ऐसे जाते, बाकी ऐसे कोनो बात कभी लगीस नहीं? नहीं, देखो मोर काम करे के ढंग थोड़ा अलग है। हाँ। मैं काकरो दुख दर्द ला नहीं देखे सकूं। और कोई भी आदमी आए अगर अगर समस्या है तो मोर आदत है कि वो समस्या के समाधान करना है। और ओकर भर टाइम बे टाइम गुस्सा भी आते, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी झूठ बोले और घुमाए के काम करे करी तो हमें गुस्सा जरूर आते। लेकिन अच्छा। मैं कोई मोर गुस्सा करे के आदत कोई व्यक्तिगत कारण न है। ठीक कहना, ठीक कहना है आपके। जिसे कहा होते हर घर में जब कोई परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में जाते हैं तो घर के बड़ा सहयोग रहते हो, तो जब आप राजनीति में आए तो घर के कौन कौन सदस्य के सहयोग आप लोग मिली? सबसे पहले मोर बड़े भाई रहीस। हाँ। जो अभी नहीं है दुनिया में, तो ओकर इच्छा रहीस कि जब मैं स्कूल के प्रेसिडेंट बने। हाँ।
वही समय ले ओकर इच्छा रही कि राजनीति कर कोई चीज के चिंता नहीं है और राजनीति के जीवन में समाज सेवा करना है, काकरो संग कुछ ले के जरूरत नहीं है, कोयला तंग करे की जरूरत नहीं है, कोयला ब्लैकमेल करे की जरूरत नहीं है, स्पष्ट राजनीति करा और अपन घर ले पैसा लगा के राजनीति करा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बड़े भाई आप जिन आपला जिन प्रेरित करी से घर भर, और कई बार ऐसे भी होते कि राजनीति में जब आदमी घर के कोनो सदस्य आते तो पहली आदमी बोलते भाई कहाँ थे राजनीतिक चक्कर में पड़ता था, काम धाम न कर, ऐसा भी आप उन चीज से भी गुजरे हो? वो चीज भी रही, जैसे मोर धर्मपत्नी हाँ। वो हमेशा ये कहे कि भाई राजनीति करे का जरूरत है और छोड़ेला कावर हाँ। की कहूँ कहूँ झंझट हो जाते हाँ। लेकिन बाद में एक समय ऐसे आईस कि वो गृहिणी होके अहूला चुनाव लड़े पड़ीस कावर की पार्टी के आदेश हुईस हाँ। 2014 में हाँ। कि निगम के महापौर के चुनाव लड़ना पड़ीस और कांग्रेस पार्टी के कोरबा के पहले महापौर और जीतीस। जी जी, तो आप दोनों जन है राजनीति में आ गए हो तो कैसे सामंजस्य बैठा था हो? नहीं अब वो तो राजनीति के ओकर इच्छा नहीं है हाँ। और वो आरक्षण ले पहले घोषणा कर दे रही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं और जो भी चुनाव लड़ी वाला मदद करूं और मैं अपन घर के काम कर ला फिर वापिस देखूँ। जिसे आप बताए कि छात्र राजनीति से आप आए हो, तो छात्र राजनीति के टाइम के वो मित्र कौन कौन है जिन आप ला बड़ा वो समय प्रेरित करत रही ने कि आप आओ भाई चल चुनाव लड़ो? छात्र राजनीति के मित्र मन बहुत जन रही, एक पारसनाथ रीस हाँ। एक इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी है चरणजीत सिंह गुलाटी हाँ। एक जवाहर अग्रवाल हाँ। और इस प्रकार ले हमारे एक अवधेश सिंह ठाकुर प्रभात सिंह ठाकुर और हेमंत त्रिपाठी पुराने मित्र मन रही सब और आपके शिव बहादुर सिंह जान एंथोनी प्रकाश क्रिस्टोफर ऐसे बहुत जन मित्र मन रही कि जो और गानी चुनाव लड़ाई और मैं प्रेसिडेंट चुनाव जीते रहे। उमलना आज किसे लगा तुमको से चर्चा होते कि आज आप मंत्री हो छत्तीसगढ़ के और बहुत सुघर आप काम करत हो, आपके काम के बड़ा चर्चा भी होते, तो उमला किसे लगते मित्र मन आपके फोन करते हैं बात होते आप? हाँ बीच बीच में बात होते है और बहुत जन तो कोरबा में है हाँ। और चरणजीत गुलाटी बॉम्बे में इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी है हाँ। पारसनाथ और पिताजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर इस ओवर दूसरे प्रदेश चल दीस और बहुत जन कोरबा में है हाँ। भेंट मुलाकात होते अभी उनमें बहुत जन राजनीति नहीं करें लेकिन चुनाव गाने उमन बोला मदद करते आप लोग सहयोग करते वही टाइम में। एक चीज़ वो मैं जानना चाहते रहे हूँ कि कई बार क्या होते कि जब हम राजनीति में जब हम उमें शामिल होथन तो कई बार क्या होते कि हम कई उद्देश्य ले लेके चलते जिसे आप जनसेवा ले के आगू बढ़े हो और एक मौका आते जब टिकट भर आप लोग बोले जाते कि आप ला ये मौका या जिम्मेदारी आप लोग दे जाते जब पहली बार ये जब आप लोग सुनाई दी इसकी आप लोग जिम्मेदारी मिलने वाला जब मोर उम्र उम्र रही 35 साल के हाँ। तो 1993 में जब चुनाव हुईस हाँ। तो मुला श्यामा चरण जी भैया बोलीस कि प्यालाल कंवरला चुनाव जिता के लाना है हाँ। 1990 के चुनाव 10,000 ले ज़्यादा वोट ले हारे रहीस वो गानी नियम बने रही इसकी 10,000 वोट ले 5,000 वोट ले ऊपर में टिकट नहीं देना है लेकिन हाँ। प्यालाल जी 1962 के विधायक रही लंबे समय के ओकर राजनीति रही तो हमन जाके बोले दिल्ली में तो बोले टिकट मिलीस और हमार जवाबदारी लगाए रही श्यामा भैया कि प्यालाल जिला जिता के लाने तो और जीतीस 1200 वोट ले और बहुत मेहनत करें हुआ नहीं तो जब लेके गए भोपाल और दिल्ली तो ओला डिप्टी सीएम बनाई और ओकर बाद में जब साडा के चेयरमैन बने के काम आई तो प्यालाल जी हर ओला और भवानीलाल वर्मा जी सांसद रही उन दोनों मिलके दिग्विजय सिंह जी करा गए और बोला साडा के अध्यक्ष बनाए उमन अच्छा तो वो गानी ले हम साडा के समय में काम करें सेवा करें ओकर बाद में राजनीति के सक्रिय राजनीति में हमारा योगदान शुरू हुई जी। अभी देखे जाते कि राजनीति जिन है जिन राजनीति में बोलचाल भी है राजनीति में जिन थोड़ा मर्यादा भी है वो जिन समय से आप राजनीति कर रहे थे और अभी 2019 में काफ़ी बदलाव आ गए है। देखिए पहले के राजनीति में हम देख रहे हैं कि
विधायक मन करम मोटरसाइकिल भी नहीं होत रही भोपाल में उन पैदल एमएलए रेस्ट हाउस ले विधानसभा जाए या ऑटो में बैठ के जाए। और आजकल तो कोई भी हुई अगर वो जनपद के मेंबर भी अगर बनते तो सबसे पहले वो चार चक्की गाड़ी खोजते और आगू गाड़ी के आगू में लिखवा भी लेते बड़े। हाँ तो जमाना भी बदल गया है वो तो अब समय इसने है कि विधायक के बोर्ड छोटा रही और विधायक प्रतिनिधि के बोर्ड बड़ा रही तो अब टाइम बदल गए है। लेकिन ये जरूर है कि राजीव गांधी जी जो पंचायती राज के ऊपर जो सपना रही और कांग्रेस पार्टी वाला लागू करे है तो पंचायती राज आए के बाद जागरूकता बढ़े है और गांव गांव में पंच सरपंच लेके और जनपद जिला पंचायत सब पद में चुन के आते हैं तो उनके जिज्ञासा बढ़ते और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वहीं ले शुरू होते और बाद में बहुत जन अभी प्रदेश में जो विधायक बने हैं सांसद बनी ने ओमन जनपद जिला पंचायत मेंबर अध्यक्ष नगर निगम साडा के स्वयं में अध्यक्ष या निगम के महापौर एमन मतलब आगे बढ़े के मतलब मौका मिली से तो ये राजीव जी के सपना रहीस ओकर बाद में नया लोगन जो है राजनीति में शामिल होते हैं ओमन ला आगे बढ़े के चांस मिलते हो। राजनीति ले के जिन सोच है आम जनता में वह अभी फिलहाल उसका अच्छा नहीं है मतलब अरे नेता है भाई थी जबकि नेता के मतलब ये होते लीडर अंग्रेजी में बोला था और वो व्यक्ति जिन आपके नेतृत्व करते आपके सुख दुख में शामिल होते आपला जहाँ पर भी अवसर दिलाना है ओखर पर लड़ते लेकिन धीरे धीरे राजनीति और नेता के मतलब परिभाषा बदल गए। बीच बीच में जो राजनीति के दौर आए इसने तो मैं जो सोशल मीडिया और अन्य साधन के उपयोग और दुरुपयोग कर करके बहुत जन जो ईमानदार आदमी होते ओकर भी छविला खराब कर देते हैं जैसे मनमोहन सिंह रईस प्रधानमंत्री ईमानदार आदमी रईस प्रधानमंत्री होए के बाद और आज भी वो गाड़ी खुद अपन कार ला मारुति ला लेके चल देते तो इतना सिंपल आदमी इतना पढ़ा लिखा बड़े अर्थशास्त्री है तो ओकर छविला भी खराब करे की कोशिश करेगी। तो समय के हिसाब से मतलब जो पहले जो राजनीति रही और आज के राजनीति में काफी अंतर आई से और कारण बहुत बड़े ये भी है कि जो दुष्प्रचार जो थे दुष्प्रचार होकर बहुत बड़ा माध्यम बन गए जी। अब थोड़ा दूसरा प्रश्न आपसे करता हूँ कि खाए में आप कहाँ पसंद करता हो? अब खाए में मोर तो दो रोटी और सब्जी। सब्जी कहाँ पसंद करता हो? जो भी सब्जी कोई भी सब सब्जी खा सब सब्जी सब सादा जो सब्जी है ओला खाया के मोर आदत है। ऐसे कोई व्यंजन जिन आप घर में कहा तो घर के जिन स्वाद ही थे तो अलगे बात रही थे जिन हमारे भौजी जी आप कहा तो कि ये सब्जी बनाना बहुत दिन हो गए नहीं खाए हो कोई ऐसे जिन आपके खास सब्जी तरोई लौकी करेला यही सब सब्जी है ये सब सब्जी अमन खा झुनगा भिंडी जो सादा सब्जी मतलब मोर यहाँ सादा सब्जी रोज बनते और मोर आदत है सादा भोजन करे के तीनों टाइम के वही भोजन है मोर सादा। माँ के जिन बनाए रही चीज रही थे तेन हमेशा आदमी चाहे कतको भी बढ़ जाए लेकिन माँ जिन बनाते तेन बड़ा ओखर माँ अलग ही स्वाद रही थे। हाँ माँ माँ हमारे रही जब तो माँ जैसे हमन रोटी ला चकला बेलन में बेल थे तो हमारे माँ हाथ में रोटी ला करके और बनाया तो ओकर जो स्वाद रही वो अलग रही। ठीक कहा तो आप। दूसरा प्रश्न ये है कि हमेशा जिन है आदमी जिन्हें फिल्म बड़ा पसंद करते कोई ऐसे जिन आप अपन टाइम में जब आप छात्र जीवन में रहे हो कॉलेज में आए हो तो वो समय जिन आप ला कोई फिल्मी हीरो जिन अच्छा लगत रही? अब फिल्मी हीरो में तो सभी अच्छे लगे थे कोई कम कोई ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा अच्छा और अमिताभ बच्चन है सुनील दत्त है और एमन मतलब अच्छा एमन के एक्टिंग रही। हाँ, तो फेवरेट हीरो कौन से समझ लो अमिताभ बच्चन मान लो आपके? हाँ अमिताभ बच्चन मान सकता और हीरोइन में? हीरोइन में पुराना हीरोइन में तो सब जो नरगिस बबीता और आपके जो मीना कुमारी ये सब पुराना जो हीरोइन पुराना पिक्चर
मतलब अमन ज्यादा पसंद करते थे। हाँ। आजकल के पिक्चर ला तो भुला जाते हैं, पिक्चर देख के निकले और भुला गए। ठीक है, पहले के पुराना पिक्चर और पुराना गाना जो भी रहे वो मतलब ओकर धुन और ओला देखे के अलग मजा आती जी। स्कूल कॉलेज के टाइम में बड़ा एक प्लानिंग बनते पिक्चर आज जाना है दोस्त मन के साथ जाना। हाँ, तो प्लानिंग स्कूल स्कूल कॉलेज के टाइम में हमन पिक्चर देखे बन। हाँ। और मोटरसाइकिल में बिलासपुर हो रहा है पूरा आते हैं हमन। अच्छा, स्कूल कॉलेज के टाइम में मोटरसाइकिल में बैठे और निकल के पिक्चर देखे, 10-15 दोस्त यार के इच्छा हुई चलो पिक्चर देखे बन, तो एक एक मोटरसाइकिल में दो दो जन बैठे और निकल के रायपुर आके हम एक दिन में 3-3 पिक्चर देख के गए रायपुर आके। अच्छा। हाँ, लेकिन आजकल पिक्चर देखे के समय कम मिलता, समय जिम्मेदारियत का सारा है। छत्तीसगढ़ में आपके पास जिन जिम्मेदारी है तो ओखर माध्यम से आप छत्तीसगढ़ ला और कौन तरीके से आप मजबूत करना चाहते हो, कौन तरीके से आप गढ़ना चाहते हो? देखिए, हमार दो विभाग है मेन। हाँ। एक राजस्व, राजस्व और आपदा में तो हमन जहाँ कोई समस्या है तो वाला समाधान कर दन। हाँ। और तो जिला वाइज कोई हम हमार कोशिश रहते कि कोई ला तकलीफ नहीं जाए। हाँ। और कोई अगर आपदा आ जाते तो वो समाधान करे के काम हो थे। और राजस्व विभाग में बड़ा बड़ा फैसला हमन करे हैं कि आम आदमी ला ओकर लाभ मिले, छोटे छोटे प्लाट के रजिस्ट्री ओपन करें, भूखंड के 5 डिसमिल से कम के जमीन आवंटन के अधिकार, डायवर्सन के सरलीकरण, और ओकर बाद में बहुत से ऐसे जो पेचीदा जो रहीन सब बहुत से ऑर्डर करें हमन पूरा लिस्ट है। और एक संग में जो पंजीयन के भी जो काम है पंजीयन डिपार्टमेंट के, तो पंजीयन में भी हमारे ये प्रयास रहते हैं कि कोई आदमी ला पंजीयन कराया भर जाए तो वो तकलीफ नहीं जाए, तो ओकर अमन ओला अपग्रेड करे के हमारे प्लानिंग चले थे कि पंजीयन ऑफिस ला अपग्रेड करबो, आदमी ला बैठे उठे के थोड़ा वो टाइम जो लगते खबर कि अब रायपुर है, रायपुर में एक एक दिन में 200 रजिस्ट्री होती एकदम से कहा, तो 200 रजिस्ट्री हुई तो आदमी जाए और आए तो संभव ही नहीं, संभव नहीं पूरा टाइम लगवे करी खबर कि इतना रजिस्ट्री रायपुर में होते तो कम जगह छोटे जगह कम रजिस्ट्री भी होते, लेकिन हमारा प्लानिंग है कि ओला अपग्रेड करवो। साथ में जो राजस्व विभाग में जो एरिया वाइज जो तहसील ला बढ़ाए के काम अमन करे थे, हमारे मुख्यमंत्री यार 25 तहसील के घोषणा करे हैं 15 अगस्त में, और 25 ले ज़्यादा भी बनाया के हमारे प्रोग्राम में। और हमारे ये भी सोच है उप तहसील के जरूरत नहीं पड़े, हमन आगे जो भी बनी वो तहसील बनाबो और जो उप तहसील है वाला भी अपग्रेड करके तहसील करबो, ये हमार प्लानिंग है। हाँ। ताकि तहसील नज़दीक नज़दीक में खुल जाए तो आदमी मतलब काम करे में सुविधा हो। छत्तीसगढ़ राज्य में जिन्हें यहाँ के लोगन जिन्हें उनकर अपेक्षा है कि उनला अवसर मिले, मौका मिले और उनकर जिन आर्थिक स्थिति हो सुदृढ़ हो, तो ओखर पर का सोचते हो आप? देखिए, हमार सोच है कि क्षेत्र के प्रदेश के डेवलपमेंट हुई तो आदमी मल्ला काम मिले। हमार मुख्यमंत्री जी के सोच है कि जो नारा और दी से कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरुआ गुड़वा बारी, तो उनमें भी काम वहाँ गांव गांव में काम मिली आदमी मल्ला। हाँ। और गोठान के बनाए के जो काम है उनमें हाँ। और ओला बढ़ाए के काम करी ने कि वहाँ जैविक खाद के प्रोडक्शन हुई, वहाँ आदमी मल्ला काम मिली, महिला मल्ला काम मिली। कल भी हमन सुकमा गए रहे तो वहाँ भी कलेक्टर ला CM साहब निर्देश करे है कि MISNS ने बढ़ाए भर है, तो इस प्रकार ले रोजगार बढ़ाए के जो अवसर छत्तीसगढ़ में हुई बोला हमन कोशिश करे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, तो हमारे ये प्रयास हुई कि हमारे प्रदेश में निवेश करें उद्योगपति और ऐसे उद्योग लगें कि प्रदूषण कम से कम हुई। हाँ। और बिना प्रदूषण के उद्योग लगाए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ज़्यादा सोच है और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में दूरस्थ अंचल में भी उद्योग लगे ताकि वहाँ के आदमी मल्ला रोजगार मिल सके। जी, जैसे अभी दिल्ली में भयावह स्थिति निर्मित हो गई से प्रदूषण के नाम से और लोगन के मतलब निकलना दुर्भर हो गई से, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा उद्योग धंधा आते हैं, तो उखर जिन्हें पर्यावरण के प्रति उमन जागरूक रहें ओखर पर कैसे का सोचते हो आप? देखिए, पर्यावरण भर अमर विभाग है, पर्यावरण विभाग ला निर्देश हम उमन करे हैं, मुख्यमंत्री जी भी करे हैं कि
पर्यावरण के ख्याल रखना जरूरी है। हाँ। और पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए के काम, और पेड़ ला खाली लगाना नहीं है, पेड़ लगाए के बाद ओला जीवित रखना भी जरूरी है। और ओकर साथ में बहुत मजबूरी हुई तो पेड़ कटाई के काम हुई, जो डेवलपमेंट वर्क की भाई रोड निकाले भर है, रेलवे लाइन निकाले भर है, तो एक मजबूरी है। लेकिन ओकर ओ में जतका पेड़ कटी ओकर ले ज्यादा पेड़ हमारे लगाए के काम भी करबो, और साथ में जो धूल धक्कड़ जो उड़ते ओकरो इंजाम होते। जैसे हमारे कोरबा में शहर में बहुत प्रदूषण है, काबर की वहाँ NTPC बालको पावर हाउस कोयला की खदान सब कोरबा में बहुत कुछ है, औद्योगिक नगरी है, तो वो में प्रदूषण कम करे कि हमारे काम जारी है। और जिला प्रशासन का भी निर्देश है कि धुआं कम से कम हुई और राखड़ नहीं उड़े, काबर की राखड़ जो उड़त रही इसके गाड़ी में तो हमें तिरपाल ढक कंपलसरी कर दें। हाँ। तो इस प्रकार ले हमार सोच है कि प्रदूषण छत्तीसगढ़ वासी मन ला कम से कम झेलना पड़ी और हमन प्रदूषण ला कम करबो, ये हमार संकल्प है जी। छत्तीसगढ़ के संस्कृति लेके आपके सरकार बहुत प्रयास करत है, यहाँ के परंपरा, यहाँ के जिन चीज है, यहाँ के पहनावा खाना, ये सब चीज लेके आपके सरकार आगू बढ़त है। लोगन में एक अलग टाइप के उत्साह नजर आवत है, उनकर आँखी में एक उमंग है, और नवा जिन गढ़बो छत्तीसगढ़ के जिन नारा है तेनों उनकर आँखी में नजर आवत है। बिल्कुल, हमार अभी जो राजस्व के कार्यक्रम रहीस तो वो पहले 3 दिन मनाए के रहीस, तो राज्यपाल महोदया हर कही 2 दिन बढ़ाए भर, तो मुख्यमंत्री जी तत्काल वही मंच ले घोषणा करीस। और वो कार्यक्रम में आप देखे हुई है कि जो सांस्कृतिक जतका भी कार्यक्रम हुईस वो लगभग सभी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी में हुईस, यहाँ के लोकल कलाकार मन ला मौका मिलीस, यहाँ के लोकल कलाकार मन पुरस्कृत हुईन। और खेलकूद में भी देखे हुई है कि यहाँ के जो खिलाड़ी मन रहीन ओला 1,05,00,000 रुपए तो नगद पुरस्कार दे के काम हुई। तो हमारे सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच है कि यहाँ के स्थानीय मनला बढ़ावा दे भर है, और यहाँ के जो संस्कृति है ओला आगे बढ़ाना है, ये होकर सोच है और वो दिशा में हमारे काम चालू जी। अभी छत्तीसगढ़ के युवा जो है कहूँ ना कहूँ बड़ा एक चिंता के विषय है कि नशा और अन्य चीज़ के तरफ बहुत रुझान हुआ थे। यदि यही मन भारत के मतलब कहा जाए छत्तीसगढ़ के हमारे भविष्य हैं, वो मन नशा के तरफ चल दी तो आखिर छत्तीसगढ़ हम कैसे गढ़ पाबो, तो उनखर पर आपके का संदेश है? देखिए अभी भी हमारे कैबिनेट की मीटिंग हो रही है अभी आपका 10 दिन पहले, तो वो मीटिंग में भी CM साहब हमारे मुख्यमंत्री जी निर्देश दे हैं, और गृह मंत्री जी ला भी कही कि नशा भर भी कि गाड़ी मन में चेकिंग करा मैं कोई नशा करके झन चले, और नशा के प्रति भी हमारी सरकार गंभीर है। हमारी प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में नशा पत्ती का कम करने खत्म करने ओकर भर भी प्रयास हमारी सरकार कराते हैं। अग्रवाल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छा बात आप बताए, और अपन जिन संकल्पना है आपके जिन सपना है छत्तीसगढ़ ला ले के छत्तीसगढ़ ला गढ़े के बहुत सुगा ढंग से आप बताए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप देसी टॉक में है नमस्कार सिर्फ तो राज एक्सप्रेस में।